नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिल्ली से आया हुआ परिवार है। बहुत परेशान है, इनकी जो बच्ची थी उसके साथ एक हादसा हो गया था और जानेंगे क्या था पूरा मामला। नमस्कार। नमस्कार। आज आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या है मामला? यहाँ पे हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है, हम उसी लिए आए हैं थोड़ा सुनवाई हो। हमारे वो फोन की कोई डिटेल नहीं मिल रहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल रहा, क्या है क्या नहीं हम पूछने के लिए आए हैं। किस मामले की सुनवाई के लिए यहाँ आए हुए? वही लड़की के सुनवाई के लिए आए। ये लोग सुन ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे करके बैठे रहे हाथ में हाथ रख के। अब ये लोग को फोन डिटेल के बारे में बार बार फोन करते, फोन कभी उठा के होल्ड में रख देते, बात ही नहीं करते, इसलिए हम यहाँ आए। हमें सिर्फ सुनवाई चाहिए इनसे, मतलब बात बात करके इनसे पता लगाना है बस। किस मामले के बारे? एक मामला दोबारा से बता दें, क्या है मामला, क्या हुआ था लड़की के साथ? लड़की के साथ 12 तारीख को वो घर से निकली हुई थी, हमारे संपर्क में तो थी बट वैसे फ़ोन में नहीं थी वो, वैसे मैसेंजर के थ्रू कह रही थी कि हम ठीक है बोल के रह रही थी। फिर 18 तारीख को अचानक से कि कोई अनजान इंसान आके कहता है कि आप सरस्वती के कौन लगते हो, हमने कहा हम ऐसे फलाने फलाने लगते हैं, मामी जो भी हैं रिलेटिव, तो उन्होंने कहा कि इनके ऐसे डेथ हो गई है। तो हम अचानक से आते हैं तो हम यहाँ पे पोस्टमार्टम होके उसके बाद उनको लेके चले जाते हैं, लेकिन इसे कोई FIR नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हमें फोन का डिटेल तो दे दें ताकि हमें पता तो चले वो कहाँ से क्यों आई हैं, किसके बुलाने पे आई हैं। हमें वो इंसान का पता चलना चाहिए ना कि किस लिए वो वहाँ से इतने दूर से आई हैं। वो कहीं जाने वाली बच्ची नहीं है, सिर्फ अपने रिलेटिव के घर के अलावा कहीं जाने वाली नहीं है, तो किसी के बहका में तो वो आई होंगी। तो हमें वही फोन का वो चाहिए, डिटेल चाहिए ताकि हमें पता चले किसने बुलाया है और कि वो करके हमें पता चले बस। तो फरीदाबाद जो लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि सरस्वती नामक महिला दिल्ली से फरीदाबाद आई थी, जो जिनकी ये मामी है। आपका नाम? कविता। कविता जी जिनकी मामी है, इनकी भांजी सरस्वती दिल्ली से फरीदाबाद आई थी और फरीदाबाद आने के बाद 6 दिन बाद इनके पास खबर आती है कि वो डेथ कर गई है और आप आकर बॉडी ले जाएं। ये बॉडी लेने आए और बॉडी लेकर गए हैं, लेकिन अभी तक इनका आरोप है कि इनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जी हाँ जी, ये अभी कुछ लोग सुनवाई नहीं कर रहे है, इसलिए हम आए फोन का भी डिटेल निकालने के लिए हम बोल रहे हैं। ये लोग सुन ही नहीं रहे, मतलब कोई कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे करके लोग बैठ के मतलब आराम से बैठे हुए है, इसलिए हम यहाँ पे आए। जी हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जब बॉडी लेने के लिए बुलाया गया। क्या नाम आप? मेरा नाम मीना है, तो मैं इनके पड़ोस में रहती हूँ। तो जिस दिन हमें बॉडी लेने के लिए बुलाया गया, एकदम से बॉडी हैंड ओवर कर दिया, ना इन्होंने FIR करा ना कुछ सूचना दी पहले। अगर इनको ऐसे ही पता था लड़की यहाँ से, यहाँ इन लोग ने हैंड ओवर करा है, तो उनके खिलाफ FIR लिखना चाहिए या कुछ भी हो पहले कॉल करना चाहिए इनके परिवार को। फिर एक बार लड़की को मतलब जिंदा थी या कुछ भी थी, उन लोग को बुला के यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। उन लोग को हमारे जाते ही छोड़ दिया, उन लोगों को ना कोई कार्रवाई करा ना कुछ। अभी तक इतने दिन हो गए, ना कॉल डिटेल दे रहे हैं ना कोई FIR लिख रहे हैं। हम इसी के लिए आए हैं यहाँ पे, आज हमें FIR लिखवाना है। कैसे भी करके आप लोग हमारी सपोर्ट करें, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इतने सारे लोग। धन्यवाद। आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं FIR लिखवाने के लिए और एक ही मांग कर रहे हैं कि FIR लिखी जाए। और बात करेंगे, सरस्वती के मामा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर एक बार पूरा मामला बता दें, 12 तारीख को क्या हुआ था, पूरा मामला बता दें। 12 तारीख को सरस्वती घर से निकल गई थी, लगभग 12:30-1 बजे निकल गई थी घर से, तो हम लोग को पता भी नहीं था। उन्होंने कहा स्विच ऑफ, अगर मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था, जब दीदी ने फोन किया होगा तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर दीदी ने हम लोग को बोला कि देखो ना जरा सरस्वती का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, एक बार आप लोग देखो जरा। तो हमने भी फोन लगा के देखा तो स्विच ऑफ जा रहा था। तो उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। फिर हमने उनको वॉइस मैसेज वगैरह टेक्स्ट मैसेज भी किया था, उनने देखना उसके बाद ब्लॉक करना, ऐसे करते हुए करते 15 तारीख को उन्होंने लगभग वॉइस मैसेज भी भेजा है, रोते हुए मैसेज भेज रहे हैं और टेक्स्ट मैसेज भी भेज रहे हैं कि मेरे को ढूंढो मत, मैं ठीक हूँ, ये हुआ। अगर वो ठीक होती तो रो क्यों रही है? ठीक है, बड़ा सवाल है फरीदाबाद इस टाइम, जो इन्होंने कहा है कि अगर इंसान ठीक है तो वो रोते हुए मैसेज नहीं भेजेगा, रोते हुए वॉइस मैसेज भेज रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग ने जो है इन्होंने ही किया है, जो सुनीता हो गया, ये पंकज है उसके हस्बैंड, इन तीनों का ही हाथ है हमें जहाँ तक लगता है। क्योंकि एक किसी अननोन पर्सन को जो जिसको जानते नहीं उसको रखने का, घर में रखने का क्या मतलब लॉजिक बनता है? कोई बनता सुनीता को ये मिली क्या? हाँ,
वही तो हमें सुनीता को वो कह रहे हैं कि वो जो पंकज कहता है कि बस स्टैंड के पास वो रो रही थी, मेरे को बोला कि भैया नौकरी लगा दो, तो मैंने जाके उसको लेके गया, मैं उसके बाद सुनीता के पास छोड़ दिया। अब सुनीता कौन है क्या है, वो कहता कि मेरी हमारी जानने वाली भाभी है। तो मैंने कहा भैया अगर कोई रोते हुए मिलता है, कोई अगर परेशानी में है, तो आप उसको किसी बंदे को उठा के घर पे थोड़ी ले जाओगे, पुलिस थाने में दे दोगे ताकि वो उचित जगह पे पहुंचा दे या कार्रवाई करे। तो कह रहे कि हमसे यही गलती हो गई, कह रहे ना तो हम सुनीता को जानते हैं ना पंकज को जानते हैं, उन्होंने हमारे लोग 18 तारीख को सुबह 6:30 बजे फ़ोन करके हमारे भाई को बताया कि आपकी भांजी का डेट हो गया बोलकर। तो इसी सिलसिले में फिर हम यहाँ आए, हम भी नहीं जानते उसको कैसे पहुँची क्या पहुँची। हम पुलिस से ये बोल रहे हैं कि आप अभी तक ना तो FIR कर किया है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना कोई टेलीफोन जो मोबाइल मेरी भांजी का मोबाइल है ना उसका कोई रिकॉर्ड निकाला है कि भैया CDR कि किसने फ़ोन करके आखिरी बार किसने फ़ोन करके उसको यहाँ तक बुलाया है। ठीक है, तो हम ये जानना चाह रहे पर अभी तक कुछ भी हमारी इनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट कुछ भी नहीं है। फरीदाबाद पुलिस से और फरीदाबाद की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग की सपोर्ट चाहिए, आप लोग की हेल्प चाहिए कि हम इस केस को थोड़ा सुलझाएं और हमें जो हमारी जो भांजी जो अब वापस नहीं आएगी फिर भी उनकी जो आत्मा शांति के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। तो आप फिलहाल आज जो यहाँ आए हैं आपकी अभी बात हुई है अंदर? अभी कोई बात नहीं हुई हमारी। ठीक है, अभी आज सुनने में आ रहा है कि CP भी आ रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, आज हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और अंदर में जाके भी बात करते हैं क्या कहते हैं वो लोग, देखते हैं। अभी हमारे संघ संस्था के लोग आए हुए हैं, NGO से आए हुए हैं, अखिल भारत नेपाल एकता समाज के लोग भी है और काफ़ी और भी लोग आए हुए हैं। तो आज देखते हैं जाके बात करते हैं क्या कर रहे हैं आज तक 18 तारीख से आज तक क्या कर रहे हैं, लोग ने क्या काम किया, क्या प्रोग्रेस किया। कुछ सुनने में आ रहा है कि उसी दिन जो लेडीज थी उसी दिन उनको छोड़ दिया था, कोई उनके साथ कोई इंट्रोगेशन नहीं, कोई जागो नहीं। तो अब ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें चरम लापरवाही हमें दिख रही है कि ये लोग कुछ काम करना नहीं चाह रहे हैं। बस ये है कि हम काम करें, हमारे हमें इंसाफ मिले, हम यही चाहते हैं बस। और तो फरीदाबाद एक बार फिर से आपको बता दें, ये घटना 12 अगस्त की है और 12 अगस्त को दिल्ली से एक महिला सरस्वती नामक महिला फरीदाबाद पहुंचती है और फरीदाबाद पहुंचने के बाद जो अभी तक सामने आया है बस स्टैंड पे उन्हें एक ऑटो वाला मिलता है, वो रो रही थी और ऑटो वाला उनके पास जाता है और उन्हें ले जाकर काम पर एक घर में लगा देता है सुनीता नामक महिला के यहाँ, जहाँ 6 दिन वो रहती है और 6 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। परिवार वाले जब आते हैं तो डेड बॉडी मिलती है, लेकिन अभी तक परिवार वालों का जो आरोप है कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और ये कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसकी वजह से आज आप एक बार देख लें पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, दिल्ली से आए हुए हैं, भारी संख्या में लोग दिल्ली से आए हैं। हमारे साथ है अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज, हमारे साथ है अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज के अध्यक्ष। नमस्कार मैडम, क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम है देव बहादुर लामी छाने, अखिल भारत नेपाली एकता समाज का अध्यक्ष हूँ, केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। सर आज ये जो परिवार है ये लगभग पिछले 6-7 दिन से परेशान है, आज 25 तारीख हो चुकी है, 18 तारीख से ये परिवार परेशान है, तो सर क्या कहेंगे? ये परिवार पिछले 12 तारीख से परेशान है, इनको 12 तारीख से तो वो मिसिंग थी लेकिन 18 तारीख से तो न्याय के लिए परेशान थे, तो भी वो परिवार उसके उसमें थे। 18 तारीख उनको 81 सुबह में 6 बजे अज्ञात लोगों ने फोन कर डेथ मैसेज दिया, उसके बाद इन लोगों जो डेथ मैसेज दिया वो लोकेशन में आए, तो इनको क्या भरोसा था, अभी पुलिस प्रशासन ने इनको गरीब लोगों को हेल्प करेंगे, सरकार ने हेल्प करेंगे ऐसा उनको लगता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बजाय इन्हें अभी तक उनका ये केस का FIR दर्ज अभी नहीं किया, ये बहुत बुरी बात है, ये सरकार के ये प्रशासन के ये लापरवाही है, हम इसको लापरवाही कहते हैं। दूसरा बात ये है कि जो डेथ हुआ वो भी ये शंकास्पद है, हमको भी शंका लग रहा है क्योंकि ये पुलिस लोग क्यों इतना दबाव देकर अभी तक FIR दर्ज नहीं करता है, उसका डेथ एक्चुअल इंटीमेशन नहीं देते हैं, इनके पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो उसके भी लापरवाही कर रहे हैं, वो 1 महीना 2 महीना 4 महीने के बाद आए के बोल रहे हैं, ये पूरा ये बात में शंका है, इसलिए हम इनको न्याय दिलाने के लिए इधर आए हैं, हम न्याय दिलाने लगातार संघर्ष करेंगे, इसे ऊपर पुलिस प्रशासन से भी ऊपर सरकार का न्यायिक निकाय तक हम जाने के लिए तैयार है, अभी तक यही बोल सकता हूँ। अब जब रिपोर्ट आएगा हम अंदर मिलने वाला है, पुलिस प्रशासन से मिलेगा, पुलिस अधिकारी से मिलेंगे,
उसके बाद फिर क्या है हम बता सकते, जो अभी आपका आप लोगों ने आकर मीडिया कर्मी मीडिया साथियों ने जो सहयोग किया है ये चीज़ का बाहर तक अवेयरनेस के लिए सचेतना के लिए रे आप लोगों के बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे साथ हैं सरस्वती की माँ, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी मेरी लड़की को मतलब सुनवाई हो, मेरी लड़की के लिए मतलब वो करे, हाँ ना मिले। और इतना ये लोग हमें इतना निकाल के दे, फोन डिटेल मतलब सब एफ आई आर सब कर दे, बस यही चाहती हूँ मैं, आप लोग हमारा हेल्प करें बस। देख सकते हैं फरीदाबाद, आप परिवार का सिर्फ एक ही मांग है, अभी माँ की सिर्फ एक ही मांग है, जिस माँ ने अपनी 28 वर्षीय बेटी खोई है उस माँ की एक ही हाथ जोड़कर मांग है कि मेरी बेटी को न्याय मिले। वो बेटी जिसके पीछे एक आपको बता दे एक 5 साल की बच्ची छोड़ गई है इस दुनिया में। और हमारे साथ है सर, क्या नाम? मेरा मानस श्रेष्ठ, अखिल भारत नेपाल एकता मंच केंद्रीय समिति। लगभग हम लोग यही सरस्वती को न्याय दिलाने के लिए संपूर्ण संघ संस्था के हम लोग आज यहाँ थाना पे थाना अध्यक्ष दीजी को कंप्लेन करने आए कि आज तक एफ आई आर क्यों नहीं हुआ, आना न्याय दिलाने के लिए क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या हो रहा है, ये पता करने हम विभिन्न संस्था आए। हमें जहाँ तक लगा कि ये केस रफा दफा करने की प्रक्रिया में है, क्योंकि हत्या होने के बाद उसी दिन हत्या हुआ, उसी दिन चाहिए उसी दिन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, उसी दिन अंतिम संस्कार करने के लिए जल्दीबाजी इन्होंने करके भेज दिया, उसमें थोड़ा सा हमें शंका बहुत ज़्यादा शंका है। इसलिए हमने सारा संस्था के लोग आके आज दबाव मूलक उनको दबाव देके के एफ आई आर कराने और इनको न्याय के लिए क्या करें, एफ आई आर रिपोर्ट कब आएगा, रिपोर्ट क्या हिसाब से आएगा और रिपोर्ट क्या कब आएगा, वो सब पता करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। तो आपको बता दें जो सरस्वती थी वो मूल रूप से नेपाल की थी और यहाँ पर अखिल भारतीय नेपाल एकता मंच के लोग भी इकट्ठे हुए कहीं ना कहीं न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए, सरस्वती को न्याय दिलाने के लिए। भारी संख्या में यहाँ पर अखिल भारतीय नेपाल एकता समाज से लोग इकट्ठे हुए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।